पतरातु प्रखंड के ग्राम ब्रासदा निवासी राजेश ठाकुर एवं रंजीत ठाकुर दो भाइयों के बीच में जमीन के पुराने विवाद को लेकर कई वर्षों से दुश्मनी है। ग्रामीणों एवं पंचों के द्वारा कई बार इस बात का फैसला भी किया जा चुका है, लेकिन बड़े भाई राजेश ठाकुर ने सभी को दरकिनार करते हुए किसी की बात ना मानने की ठान ली है। वहीं रंजीत ठाकुर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने घर का निर्माण करवा रहा था, जहां राजेश ठाकुर के द्वारा काम रुकवाने पर रंजीत अपने घर वापस आया तो बड़े भाई राजेश ठाकुर एवं उनकी पत्नी के साथ मिलकर रंजीत ठाकुर को मार कर बुरी तरह से लहूलहान कर दिया गया। बीच बचाव के लिए गई बूढ़ी माँ को भी राजेश ठाकुर के द्वारा मारा पीटा गया, जिससे राशदा ग्राम के कई लोगों में काफी नाराजगी और रोष है। सबका कहना है कि राजेश ठाकुर अपने भाई के साथ बेईमानी कर रहा है और उसका हिस्सा हड़पना चाहता है। आए दिन उसके साथ इस तरह का मारपीट किया जाता है। इस संदर्भ में बासल थाना में रंजीत ठाकुर के द्वारा आवेदन दिया गया, जिसकी जांच पड़ताल के बाद उस पर प्राथमिक दर्ज करते हुए राजेश ठाकुर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उक्त बातें बासल थाना के प्रभारी राजदीप कुमार ने कही। के दो भाई हैं राजेश ठाकुर और रंजीत ठाकुर, दोनों के बीच जमीन को लेकर आपसी विवाद बहुत वर्षों से चला रहा था। उनके बीच सुलह कराने का बहुत प्रयास भी पूर्व में भी किया गया है, परंतु कल बड़े भाई राजेश ठाकुर ने जमीन विवाद को लेकर बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई और वो रंजीत ठाकुर अपने छोटे भाई के घर पर जाकर अपनी वाइफ ममता देवी के साथ जाकर रंजीत ठाकुर के साथ खूब मारपीट की, जिससे रंजीत ठाकुर को काफ़ी चोट आई और उनके बाएं गाल पे भी काफ़ी चोट लगी है। मारपीट करने के बाद राजेश ठाकुर फरार हो गया था। बाद में गुप्तचर लगाकर हमने पता किया तो पता चला कि वो घर की तरफ ही कहीं पर है, तब हमने जाकर उसे अरेस्ट किया और उसे आज हम विधिवत प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।